देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, वायदे पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसी स्थिति में इनके पास एक ही समुपा है कि समाज को बांटो, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटो। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी गोमांस का मुद्दा, और आज देशभक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इस देश में कौन देशभक्त नहीं? जो देशभक्त नहीं है उसको देश में रहने का अधिकार नहीं, लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन? मैं पूछना चाहता हूं, जो देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता है वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा? देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बैंकों की हालत खस्ता है, किस तरह से उनका पैसा डूब रहा है, बड़े बड़े लोगों ने पैसा ले लिया। एक आध उदाहरण सामने आया, ऐसे अनेकों होंगे जो बैंक का पैसा लेकर बैठे हुए हैं। बैंकों की हालत खराब है, इकोनॉमी के सुधार की गुंजाइश नहीं है, राज्यों पर केंद्र की सरकार बोझ बढ़ा रही है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र का हिस्सा कम करके राज्यों का हिस्सा बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम पहले था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, नाम बदल गया, अब दीनदयाल उपाध्याय योजना हो गई वो। लेकिन जब राजीव गांधी योजना थी तो केंद्र 90% पैसा देता था, नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कर दिया, अब केंद्र घटाकर मात्र 60% देती है। यही हो रहा है इनका परिवर्तन, राज्य पर बोझ बढ़ा रहे हैं, मनरेगा जैसी योजनाओं पर ध्यान नहीं है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर ध्यान नहीं है। तो इस तरह से जो आम लोगों की जरूरत को पूरा करने वाली योजनाएं थी उस पर उनका ध्यान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, वायदे पूरे नहीं हो रहे, तो ऐसी स्थिति में इनके पास एक ही समुपा है कि समाज को बांटो, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटो। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी गोमांस का मुद्दा, और आज देशभक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इस देश में कौन देशभक्त नहीं? जो देशभक्त नहीं है उसको देश में रहने का अधिकार नहीं, लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन? मैं पूछना चाहता हूं, जो देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता है वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा?